हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है उबटन। बहुत से लोगों का ये मिथ होता है कि जो उबटन है वो सिर्फ ब्राइडल को ही लगाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई इस उबटन को लगा सकता है, ये बहुत अच्छा होता है। उबटन जो है वो स्किन की हर टाइप की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, लाइक पिगमेंटेशन हो, रिंकल्स हो, डार्क सर्कल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सबको प्रिवेंट करता है। उबटन जो है बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है जो हर स्किन टाइप को सूट करता है। हर स्किन टाइप को उबटन जो है वीक में 2 टाइम जरूर लगाना चाहिए, सभी लोग लगा सकते हैं। और मार्केट में उबटन, बहुत सी ब्रांड के उबटन अवेलेबल हैं रेडी टू यूज़, बट आई थिंक जो होममेड चीज़ है वो नेचुरल ही है। हमें नहीं पता कि वो उन प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, बट यहाँ आपके सामने मैं किचन के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी जो सबके किचन में अवेलेबल होते हैं। बहुत ईजी से, बहुत ही सस्ते और बहुत ही इफ़ेक्टिव सामान है जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये पहले के टाइम में, दादी नानी के टाइम में भी उबटन ही यूज़ किया जाता था अपनी स्किन को सुंदर दिखाने के लिए, स्किन ग्लोइंग दिखाने के लिए, यही सब चीज़ें यूज़ की जाती थी। तो स्टार्टिंग में आपने पिक्चर देख ही ली होगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाती हूँ कि इसको रेडी कैसे करना है। फर्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बेसन। बेसन तो आपको पता ही है, ये स्किन को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। सेकंड जो है वो नॉर्मल है आटा, गेहूं का आटा। आप सबको पता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है, उसी तरह है ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्किन को ग्लोइंग दिखाने में, स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। ये है सिंपल जो गेहूं का आटा होता है जिसकी हम चपातीस बनाते हैं। थर्ड जो है ये है मसूर की दाल। मैंने इसको ऑलरेडी पीस कर रखा हुआ है मिक्सी जार में। आप जो रेड कलर की, जो लाल रंग की मसूर की दाल होती है उसको पीस कर आप छान कर इस तरह से पाउडर ले सकते हैं। फोर्थ जो है चावल का आटा। चावल का आटा भी आप मार्केट से पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, और घर पे आप चावल को मिक्सी जार में पीस के छान कर इस तरह से पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। जो है वो है हल्दी। हल्दी तो आप सबको पता है बहुत इसके अंदर एंटी ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन को लाइट, टाइट और ब्राइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप सबको पता है कि बहुत अच्छा नेचुरल है, जो सभी लोग पुराने टाइम में भी इसे यूज करते थे। मैंने इसे दरदरा पीस लिया है मिक्सी जार में। तो इन सभी सामानों को मैं मिक्स कर लूंगी। इस तरह का आप कोई कंटेनर ले लें, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का ले लें, कांच का है तो आप कांच का भी ले सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, फर्स्ट यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इस खाली बाउल में हल्दी 1 टेबलस्पून। अब मैंने इसमें 1 स्पून ही मैं इसमें ये ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैं कुछ ही टाइम के लिए बना रही हूँ। थर्ड मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बेसन, जो सबके घरों में ये सब सामान कॉमनली अवेलेबल होता ही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसूर दाल का, लाल मसूर दाल का पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे चावल का आटा जो बहुत अच्छी स्क्रबिंग करता है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। लास्ट मुल्तानी मिट्टी। ये क्वांटिटी मैं कुछ ही टाइम के लिए बना रही हूँ, और अब इसको आपने सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर जो है बन जाए। अगर ये स्पून की हेल्प से मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा तो आप इसे बंद करके अच्छे से मिक्स कर, तो ये जो हमारा उबटन है ये बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जो कलर आया है वो आप देख सकते हैं।
बहुत ही अच्छा जो मार्केट में रेडी टू यूज होते हैं उनमें भी ये सब सामान यूज होता है, बट ये हमारी आंखों के सामने बना, हमें पता है कि हमारी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं देने वाला है, इवन ये हमारी स्किन को अच्छे इफेक्ट्स देगा, स्किन को लाइट ब्राइट एंड टाइटनिंग का काम करेगा। जो ये उपटन है, ये क्लिंजिंग स्क्रबिंग एज अ फेस पैक, ये हर तरह से वर्क करेगा, ये बहुत अच्छा है। आप इसे वीक में 2 टाइम यूज करें। अब आपको इसे यूज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। इसको हम वीक में 2 टाइम यूज करेंगे और इसमें हमें क्या मिक्स करना है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरा ये जो उपटन है अच्छा लगे तो प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।